नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं पुनीत पाठक। और अब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। वैसे इन दिनों दलित राजनीति की अग्नि परीक्षा का एक दौर चला है और इसी की हम बात करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर और उनकी जयंती पर होने वाले देश भर में कई सारे आयोजनों के बीच में कुछ सवाल दलित राजनीति से जुड़े हुए लगातार उठते रहे हैं और एक बार फिर से इन आयोजनों से वही सारे सवाल उठ भी रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक तरफ चौथी बार सत्ता में आने की चुनौती है और दूसरी तरफ दलित वोट बैंक का खिसकता हुआ आधार है। हालांकि प्रदेश की सरकार ने दलितों के लिए इसके पहले भी बहुत सारे काम किए, बहुत सारे अलग अलग मंच तैयार किए और उन मंचों पर इस समाज को अपने साथ लाने का, जोड़ने का काम किया। जो पॉलिटिक्स और जिस पॉलिटिक्स का आधार कभी कांग्रेस का दिखाई पड़ता था, अब वहां पर उसी तरीके से, उसी अंदाज में, बल्कि एक कदम आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में कई सारे काम किए। लेकिन इन तमाम कामों से उलट जाकर कुछ ऐसा भी घटा जिसने इसे धक्का लगाया। भारत बंद के दौरान हुई हिंसा ने बड़ी मेहनत से दलित समर्थन की नींव को हिला दिया, जो संजोकर रखा था बीजेपी ने। अब जबकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और बीजेपी की दलित राजनीति की दीवार में कई सारी दरारें आ पड़ी हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज के लिए यह आसान नहीं रहने वाला। और हर वर्ग को साधना चुनौती है, यह भी तय। और अपने लिए दलितों का सपोर्ट हासिल करना, राष्ट्रीय स्तर पर भी दलित बीजेपी से दूर जाते हुए इस वोट बैंक को, इस वर्ग को अपने पास लाना, यह चुनौती। इस सूरत हाल में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से दलित पॉलिटिक्स को ट्रैक पर लाना शिवराज सिंह के लिए भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां बचपन में अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती हो, पानी भरती हो, उस बेटा आज प्रधानमंत्री बन पाया, उसकी क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो बाबा साहब अंबेडकर को जाती है, इस संविधान को जाती है। और इसलिए श्रद्धा के साथ, एक अपार अतूट श्रद्धा के साथ इस काम को हम करने लगे। संविधान के केंद्र पुरुष, दलितों का बड़ा समर्थन और विराट जीत की पटकथा। 2014 में बीजेपी की कामयाबी की यही कहानी थी। कामयाब दलित पॉलिटिक्स का एक नमूना था 2014 का लोकसभा चुनाव। एक बार फिर चुनाव की पदचाप सुनाई पड़ रही है और ऐसे में दलित मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थल मध्य प्रदेश एक बार फिर दलित राजनीति के केंद्र में उभरता दिख रहा है। खुद को पार्टी विद डिफरेंस का टैग देने वाली बीजेपी ने हर मंच से अपने दलित प्रेम का मुजाहिरा किया। ये कहें तो गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश हाल के वर्षों में बीजेपी के लिए दलित राजनीति की प्रयोगशाला जैसा बन गया। कभी डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान मऊ में पार्टी दिग्गजों का जमघट लगता है, तो कभी समरसता भोज के जरिए दलितों को रिझाने की कोशिश होती है, तो कभी रैदास जयंती पर बढ़ चढ़कर सरकार आयोजन करती है, तो कभी सुशील और सौम्य कहे जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिल्मी अंदाज में ये कहते हैं कि कोई माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। जाहिर है कभी कांग्रेस के दलित एजेंडे का विरोध करने वाली भाजपा अब उसी रास्ते पर बड़ी तेजी से चल रही है। दलितों को बीजेपी अपने खेमे में लाने में कामयाब भी हो रही थी कि अचानक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में हुए बंद ने माहौल बिगाड़ दिया। हिंसा हुई और सबसे ज्यादा लोग मध्य प्रदेश में मारे गए। सरकार पर उंगलियां उठी, उस पर आरोप भी लगे। हालांकि कोर्ट के फैसले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने याचिका दायर करने में देरी नहीं की, पर यह माना जा रहा है कि बीजेपी के दलित आधार को तगड़ा डेंट लग चुका है। जो जातियां राजनीतिक विश्लेषक हमारे जनाधार को नहीं मानती थीं, उन जातियों और उपजातियों का जनाधार भारतीय जनता पार्टी को मिलना शुरू हुआ है। उन्होंने अपना आशीर्वाद हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिया है। क्षेत्र के आधार पर या जातियों उपजातियों के आधार पर जो कभी कांग्रेस का वोट बैंक कहा जाता था, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में तेजी के साथ जुड़ी हैं। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश दुर्भाग्य से दलित अपराध में शीर्ष पर है। हमारे जितने आदिवासी भाई हैं उनकी जो तमाम वन भूमि है, जो वन अधिकार कानून कांग्रेस 2006 में लेकर आई थी, उसका पालन आज तक सुनिश्चित नहीं है। कुछ सबको साधने के चक्कर में सरकार किसी के लिए भी भले का काम नहीं कर पाई और आज स्थिति इतनी बस से बदतर है कि सरकार के हाथ से चीजें निकल गई और इसीलिए सरकार कभी कुछ करती कभी कुछ करती है। अब बीजेपी के दलित प्रेम पर चौतरफा सवाल उठ रहे हैं और मेहनत से की गई घोलबंदी बिखरती दिख रही, वो भी ऐन चुनावी मौसम के पहले। विरोधी तो इस मौके पर माहौल गर्म करने की कोशिश कर ही रहे हैं,
बीजेपी के लिए भी हालात संभालना आसान नहीं रहा। अब सवाल ये कि बदलते हालात में बीजेपी जादू की कौन सी छड़ी घुमाने वाली ताकि दलितों की नाराजगी और अविश्वास दूर हो जाए और 2014 की तरह एक बार फिर वो पार्टी के समर्थन में खड़े दिखें। अजय त्रिपाठी, IBC 24, भोपाल। और अंबेडकर जयंती के ऊपर सारे देश में जो आयोजनों की श्रृंखला, इन सबके बीच में सभी को इस समय अंबेडकर याद आ रहे हैं, सभी उनको अपना बता रहे हैं और इसको लेकर तरह तरह के विचार और पॉलिटिक्स के कई सारे एंगल भी दिख रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। हमें गर्व है कि बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। महू में जो अब अंबेडकर नगर है, महू में उन्होंने जन्म लिया और बाद में अपनी प्रतिभा के बल पर केवल देश नहीं सारी दुनिया को प्रभावित किया। बाबा साहब महिलाओं की समानता के बहुत बड़े पक्षधर थे। मध्य प्रदेश में हमने कई फैसले किए हैं, लाडली लक्ष्मी योजना से लेके एक सुरक्षा चक्र माता बहन और बेटी के साथ खड़ा किया है। बाबा साहब भी जोर देते थे शिक्षित बनो, और इसलिए शिक्षा देने वाला भावी पीढ़ी का निर्माता है। तो दलित राजनीति की अग्नि परीक्षा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बड़ा वर्ग, जो भारतीय जनता पार्टी खुद ही कहती कि केवल इस वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने अपना एकाधिकार बनाकर रखा हुआ था, इस वर्ग को एहसास कराया, इस वर्ग को यकीन दिलाया कि बीजेपी भी उनकी अपनी है। लेकिन कुछ आंदोलन या पिछले समय के कुछ ऐसे कदम रहे हैं जिनके बाद इस वर्ग को साध पाना अभी समय मुश्किल है और यही चुनावी दौर भी है और इसी अग्नि परीक्षा की हम बात करें। तीन बहुत विशिष्ट मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत है आपका। प्रवीण धौलपुरे साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के। प्रवीण जी आपका भी स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले नरेंद्र जी आप ही से सवाल है, जिस तरीके से चुनावी साल में तमाम वर्गों को साधा जाता है इसीलिए सरकार का, संगठन का, सबका फोकस अब दलित वर्ग के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, कई सारे मंच इस वर्ग को अपने साथ लाने के लिए जोड़े जा रहे हैं, क्या ये केवल और केवल चुनावी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा? पुनीत जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का जो प्रयास करती है, केवल चुनाव के लिए नहीं है, ये तो हमारी पार्टी के जो मुख्य उद्देश्य है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का मंत्र दिया, जो एकात्म मानव दर्शन दिया, उसके माध्यम से हम प्रारंभ से ही नर नारायण की सेवा करने का जो माध्यम हमने रास्ता अपनाया राजनीति के माध्यम से, तो निश्चित रूप से दलित वर्ग हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हमारे अन्य पिछड़े जो भी समाज में किसी भी कारण से पिछड़ गए हैं, उन सबको साथ लेकर सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही करते रही है और लगातार करती है। अभी आज मैं सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं डॉक्टर अंबेडकर साहब की जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर, आपने इतनी अच्छी डिबेट रखी है। हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर साहब की जन्मस्थली है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको प्रारंभ से ही एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया। बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर पंचतीर्थ के रूप में स्थापित किए हैं, पांच तीर्थ, बंबई में चैत्य भूमि है, दिल्ली में महापरिनिर्वाण। लेकिन पटेल साहब आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि पिछले दिनों लंदन में जो उन्होंने जा रहे फैसले के बाद में जो भारत बंद हुआ, इसमें जिस तरह की हिंसा हुई, सर्वाधिक लोग मध्य प्रदेश में मारे गए, इसको लेकर एक दाग लगाया और उसने माहौल को खराब भी किया है और इसने काफी हद तक धक्का भी पहुंचाया आपके सबका साथ सबके विकास के टैग को। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है, सवा सौ करोड़ की चिंता करती है, लेकिन कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है मध्य प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीन चुनाव जीती है, चौथे चुनाव के लिए जनता का आशीर्वाद पुनः मिलेगा। केंद्र में भी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की पहली
गैर कांग्रेसी सरकार बनी है, ये कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा, इसलिए कांग्रेस अब विभाजन की राजनीति करना चाहती है, समाज में जातिवाद का जहर घोलना चाहती है। उसी का कारण रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय था उसके बहाने पूरे देश में एक अराजकता का माहौल बनाया गया, समाज में जातिवाद का जहर घोला गया, सत्ता आपकी है देश में भी प्रदेश में भी और इसे कंट्रोल नहीं कर पाए, इसका दाग भी लगा, मैं उसी दाग की बात कर रहा हूं। नहीं देखिए पुनीत जी, मैं मानता हूं कि कुछ निश्चित रूप से अप्रिय घटनाएं हुई हैं, परंतु फिर भी सरकार ने केवल एक दिन के अंदर पूरा नियंत्रित कर लिया, पूरी स्थिति नियंत्रण में थी। तो जो दुखद घटनाएं हुई ये बात सच है, परंतु जो कांग्रेस का षड्यंत्र था, जो नियोजित रूप से पूरे में हमारे जो इंटेलिजेंस के इनपुट्स हैं वो भी सब बता रहे हैं, आपके भी सही कई चैनलों ने ये बात बताई है, ये पूरी जो हिंसा की गई है नियोजित रूप से की गई है, पूरा पूर्व नियोजित था, सारा का सारा षड्यंत्र था। इस बात की भी गवर्नमेंट को सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस सच की बात कर रहे हैं वो आधा अधूरा सामने आता है सोशल साइट्स के द्वारा, और कोई एक पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है इस हिंसा को फैलाने का तो कोई दूसरे पक्ष के ऊपर, और मैं उन पर जाना भी नहीं चाहता। प्रवीण धौलपुरे साहब है राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के, क्या इसमें आपको पॉलिटिक्स से ज्यादा सबका हित नजर आता है या ये केवल चुनावी वर्ष की पॉलिटिक्स का हिस्सा है जिसका आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही? देखिए दलितों को लगातार पिछले 4 साल से जब से मोदी जी की सरकार आई है, जिस तरह से समरसता की बात हुई है, जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान की बात हुई है, सबसे नीचे का पायदान का वंचित और शोषित जो व्यक्ति है वो सफाई कर्मचारी है जी। कितना बजट सफाई कर्मचारियों के लिए, उस वर्ग के लिए स्वच्छ भारत अभियान में रखा गया है? समरसता की हम जो बात करते हैं, अगर वाकई में भाजपा समरसता अपनाना चाहती है तो कल अंबेडकर जी का जो जन्म दिवस है उसको बड़े पैमाने पे पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा सकता था, मनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया 26 अलीपुर, जिस दलित के विषय पे हम डिबेट कर रहे हैं, मुझे बताते हुए बड़ी दुख हो रहा है कि 50 साल का रिकॉर्ड, उसको दलित को अपने आप को प्रूव करने के लिए एक जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसको बनवाने के लिए 50 साल का रिकॉर्ड मांगा जाता है। जब दलित को आप अधिकार की बात करते हैं, क्या अधिकार मिल रहा है मुझे बताइए आप, मुझे किस बेस पे वो सरकार की योजनाओं का लाभ लेगा? उसके बाद वो प्रमाण पत्र ही नहीं है। दलित को खुद इस हिंदुस्तान में प्रमाणित करना पड़ रहा है कि मैं दलित हूँ जी। प्रवीण, मेरा तो सीधा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से सबका साथ सबके विकास की बात की गई, जिस तरह से तमाम कार्यक्रम किए गए, जिस तरह एक बार फिर से अंबेडकर जयंती पर तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, और इस कार्यक्रम पे जो मंच है और मंच के पहले पूर्व संध्या पर भी जो मैसेज था वो भी हमने दर्शकों तक पहुंचाया, क्या इनमें हकीकत है या केवल ये पॉलिटिक्स है? केवल इस वर्ग का इस्तेमाल, ये कहा जाता कि कांग्रेस ने वोट बैंक की तरह इनका इस्तेमाल किया सालों साल दशकों दशक, और अब क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तविक विकास की तरफ जा रही है या वो भी अब आपको पीछे करने के लिए है, कांग्रेस पार्टी को पीछे करने के लिए एक वर्ग को अपने साथ लाने का प्रयास मात्र कर रही है, आपको क्या लगता है? देखिए ये चुनावी वर्ष है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं हिंदुस्तान में वो सभी इस वर्ग को छलने का हमेशा प्रयास करती हैं। तमाम तरह के प्रलोभन इस वर्ष हम दलितों को दिए जा रहा है, लेकिन जो मूलभूत जरूरतें हैं दलितों की वो एक भी कोई टॉपिक पे बात नहीं कर रहा है। दलित आंदोलन जो पूरे हिंदुस्तान में हुआ 2 तारीख को, मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने राजनीतिक पार्टियों के नेता इस आंदोलन में सामने आए थे? एक सिर्फ दलित जो है, जो संस्था है, संगठन है, और जो पार्टियों से जुड़े हम जैसे लोग हैं वो लोग इन्होंने इसमें सक्रियता भूमि निभाई है। बाकी आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में एक भी हमें कोई बड़ा ऐसा नेता नहीं दिखा जो उस आंदोलन में आया हो, सामने आया हो और अपनी बात रखी हो। चलिए कुल मिलाकर आपकी बात का हम इससे निकाल सकते हैं कि जो वास्तविक चुनौतियां हैं दलित वर्ग के सामने, इसमें साथ देने का काम कोई नहीं करता। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ में, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लूंगा और दिनेश जी के पास लौटूंगा ब्रेक के बाद, उनसे पूछूंगा कि क्या पॉलिटिक्स में कोई चेंज आया है, क्या वास्तव में इस वर्ग की चिंता कोई कर रहा है या ये केवल बातें हैं जो पहले एक वर्ग करके उनको अपने पक्ष में लाने का प्रयास करता रहा और अब दूसरा वर्ग इसे अपने खेमे में लाने का पुरजोर प्रयास कर रहा है। दिनेश जी आपने दोनों पक्षों को सुना, क्या केवल एक वर्ग विशेष को अपने साथ लाने के लिए मंच और मंच पर पीछे बैनर भर बदले हैं, परिस्थितियां नहीं बदली हैं, या वाकई जो पिछले दिनों प्रदेश में हिंसा हुई उसने प्रदेश सरकार की चुनौतियों को और बढ़ा दिया, या पिछले जो तमाम ऐसे मंच और
वर्ग को साथ लाने की कोशिश थी, उसको झटका दिया। पुनीत जी, आप यहाँ जो स्थिति है पिछले एक साल से वो 2002 और 3 की याद दिलाती है। इसी तरह का माहौल जो जब दिग्विजय सिंह जी का आखिरी साल था तो बिल्कुल इसी तरह का माहौल था, केवल प्रदेश जो है दलित राजनीति में हुआ जा रहा था, दलित एजेंडा था, सब कुछ था। इसके बावजूद आप देखेंगे चुनाव परिणाम कांग्रेस के खिलाफ गए थे, वो जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते थे वो चली नहीं। तो अब अभी भी जिस तरह की चीज़ें पिछले एक डेढ़ साल में हो रही हैं, खासकर दलितों को फोकस करके, वो कितनी चलती हैं। और इसका ये स्वाभाविक है, इसका एक नुकसान तो हुआ ही है कि आप देख रहे हैं कि ये हिंसा ये कैसे इलाके में हुई है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ इलाका है, जहाँ जो है जो दलित वोट जो है अच्छी खासी संख्या में दलित वोट हैं और काफ़ी निर्णायक होते हैं। इस पूरे उसमें 34-35 सीटें उस क्षेत्र में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस ही पूरा उस एरिया पर है जहां इस तरह के दलित वोट हैं। तो ये जो घटना हुई है इसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। और सबसे आश्चर्यजनक चीज तो जो आई है कि सरकारी कर्मचारियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट जिस तरह का सामने आया है वो लोगों को चौंकाता है। यदि सरकारी कर्मचारी सरकार से नाराज है दलित वर्ग का, तो आप सोचिए कि बाकी लोग तो नाराज होंगे क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा तबका है जो नाराज है। लेकिन अभी एक दूसरा पहलू और है पुनीत जी, जिसको शायद हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का फोकस दलित के साथ साथ आदिवासी पर ज्यादा दिख रहा है। आप अभी जो फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर के जो प्रोग्राम भी हैं वो आप देखेंगे कि आदिवासी क्षेत्र में हो रहे हैं। आप जो अभी मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं वो अचानक दलित से आदिवासी पर आ गई हैं, सहरिया बेगा इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, उन्होंने भारिया और अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग तरह की घोषणाएं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये कार्ड उनको लग रहा है कि ये फेल हो गया है, तो नई तरह की जो है वोट इंजीनियरिंग कर लीजिए इसको, कि हम एक जो है ट्राइबल वोट को साथ ले लें, फिर सवर्ण हमारे साथ आ जाए, क्योंकि सवर्ण भी बहुत नाराज है। बड़ी बड़ी समझदारी के साथ में वर्गों को साधने का प्रयास किया, ये चूक कहां से आप देखते हैं, ये क्यों शिफ्ट करना पड़ रहा है अपने फोकस को? नहीं देखिए, ये फोकस तो देखिए, जब आपने ये बयान दिया, जब प्रमोशन का आरक्षण का जब मामला हाई कोर्ट में आया उस वक्त वहां से चूक स्टार्ट हुई। आपको अपील करनी थी, आप अपील करिए, तो आपने जो है अपील की, अपील के बाद फिर कमिटमेंट किए कि हम आपको जो है नए नियम बनाएंगे, वो प्रमोशन में आरक्षण जारी रखेंगे। तो जो एक इशू मैंने इसीलिए कहा कि 2003 की जो परिस्थितियां थी चुनाव की, वो एक पॉलिटिकल मूव के आपने एक बयान दे दिया कि हम कोई माइक का लाल चलिए एक वर्ग को साथ लेना बाकी के वर्गों को नाराज कर गया। आपका साफ तौर पर इशारा उसी तरफ है कि एक वर्ग को साथ लेना ये बाकियों को नाराज कर गया और इससे ये वर्ग संघर्ष की स्थितियां बढ़ने ही वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र जी उत्तर देंगे। कभी बीजेपी कहती थी कि हम सबको साथ लेके चलने में बिलीव करते हैं, हम किसी वर्ग विशेष में या वोट बैंक में बिलीव नहीं करते, लेकिन अब आप उसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए। नहीं देखिए पुनीत जी, कदापि नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज भी सबका साथ सबके विकास में भरोसा करती है। केंद्र में सरकार 125 करोड़ की चिंता करती है, मध्य प्रदेश की सरकार 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता की चिंता करती है। और हमारी जितनी भी योजना है देखिए वो सब सभी वर्गों के लिए बनी हुई है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे अभी मेधावी विद्यार्थी योजना इतनी बढ़िया बनाई है। प्रवीण जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, 70% अंक जो विद्यार्थी लाएंगे उनके सभी बच्चों को मिलेगी। अभी असंगठित मजदूर के लिए बनाई इतनी बड़ी सुंदर योजना, सभी वर्गों के लिए अनेकों योजना बना रही है हमारी सरकार। सबका विकास, सबका साथ और खुद का विकास, दलितों के लिए देखिए। मैं तो कांग्रेस को तो सर्व करना चाहिए, कोई कहने का अधिकार नहीं है। आजादी के 70 साल होने में सरकार को है और अधिकतम समय आज किया है, उसके बाद भी आज हम चैनल पर बैठकर इस राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस को सर्व करना चाहिए कि आज हम विकास के 70 साल में भी नरेंद्र जी सुनते हैं क्या आरोप दे रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। नहीं दे पाए भाजपा, हमारे कांग्रेस दलित प्रेम दरकाती है। जिस तरह से दलितों के प्रति प्रेम भारतीय जनता पार्टी की सरकार दर्शाती है, भाजपा दर्शाती है, 2 तारीख को जो बेगुनाह बेकसूर लोग पकड़े गए हैं उनके ऊपर सरकार ने क्या एक्शन लिया, मैं ये पूछना चाहता हूं। और इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ और
खुद अपना विकास के ऊपर काम करती है। मैं पूछना चाहूंगा भाजपा से कि कितने दलित नेता इन्होंने अपने 14 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में तैयार कर। चलिए उत्तर दीजिएगा नरेंद्र जी इस बात का। देखिए राष्ट्र उत्तर दीजिएगा, उत्तर लेते हैं प्रवीण जी, प्रवीण जी उत्तर लेते हैं। पक्के हैं नाम ही मैं उनको, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पुनीत जी पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से विचार करती है, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में चर्चा कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बहुत ही ऊपर है वर्तमान के राष्ट्रपति प्रवीण जी, अब उत्तर भी सुनिएगा। के लिए जिस तरह से पिछड़ी जाति के हैं और अब इनकी जिस तरह से कुछ छलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, दलित जा चुका है मध्य प्रदेश का पूरा। प्रवीण जी उत्तर भी सुनने दीजिए, अब उत्तर भी ले लीजिए आप उनका। नया बदलाव मध्य प्रदेश में लाएगा। हाँ नरेंद्र जी कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ आपकी। नरेंद्र जी अपना उत्तर दीजिए पूरा। माननीय राष्ट्रपति जी हमारे अनुसूचित जाति, जी जी राष्ट्रपति जी हमारे अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, मध्य प्रदेश से थावरचंद जी गहलोत हमारे इस समय केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, ऐसे अनेकों हमारे पास उदाहरण है जो विभिन्न वर्गों से आए हैं। बड़ा दुख होता है कि माननीय हमारे मंत्री के होने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री एक के ऊपर हम लोग दो बार से आते हैं, उन्होंने अभी आपके चैनल पे आपने उनका वही केंद्रीय मंत्री उनकी माँ पड़ोस के घरों में पानी भरती। चलिए इतने चलिए एक फाइनल कमेंट, एक फाइनल कमेंट दिनेश जी, अब दोनों दल इस पॉलिटिक्स में एक दूसरे से पीछे नहीं रहे, इस बात की होड़ है, कोई कोई पार्टी में डिफरेंस जैसी चीज नहीं है। दिनेश जी फाइनल कमेंट। दिनेश जी का उत्तर सुनना चाहता हूँ। दलित नेता इन्होंने पैदा करे हैं। दिनेश जी अपनी बात रखिएगा। पुनीत जी सत्ता की चीज ही ऐसी होती है, बिल्कुल पुनीत जी सत्ता चीज ही ऐसी होती है कि आप उसके जो जो मूल चरित्र है सत्ता का, वो कोई भी पार्टी रहे वो आ ही जाता है। अब देखिए वोट बैंक को साधना, वोट बैंक की राजनीति करना, वो तो उनका धर्म है, तो वो भारतीय जनता पार्टी करे या कांग्रेस करे, कांग्रेस ने पहले किया, अभी चूंकि 15-14 साल से कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं है तो वो नहीं करे। लेकिन आप देखिए जिस तरह का कहीं आप जो एस्ट्रोसिटी एक्ट को लेके भी जो डिस्प्यूट है उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिकल गलती या आप ये कह लीजिए कोई चूक भारतीय जनता पार्टी से सुप्रीम कोर्ट में भी हुई, अन्यथा ये हालात नहीं होते, क्योंकि ये तो काफी जब चलिए मैं चाहता था, बिल्कुल मैं चाहता था दिनेश जी के इस पर हम जो मंच लेकर आए इस पर एक सार्थक चर्चा करें और आगे भी हम करते रहेंगे। आप दोनों का वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं इस चर्चा को और आगे ले जाता। प्रवीण जी नरेंद्र जी फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, फिर से हम जुड़ेंगे और फिर से इस विषय के ऊपर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन इतना क्लियर है कि इस तरह के आयोजन से वर्ग विशेष का भला कितना होता है वास्तविकता के धरातल पर, यह सिद्ध होना भी बाकी है, वरना लोग इसे चुनावी स्टंट ही कहेंगे। नमस्कार।